ये हमारे बेगूसराय के युवा जो सांसद में भाग लेने जा रहे हैं इसके बारे में। एवं लखनऊ से चलकर आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथी आज प्रश्न में हमारे देश की भविष्य पर हाथ टिकी हुई है कि ये जो भाजपा वाले लोग हैं पूरी बेरहमी से इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से खत्म करना चाहते हैं जो कि वो मेरे जहन तक भनक तक न लगे। और धीरे 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 जिस तरह से देखते होंगे किसी जो मूल्यवान लकड़ियाँ होती है उसमें अगर घुन लग जाता है तो धीरे धीरे उसको कमज़ोर करते जाती है, कमज़ोर करते करते उस आखिर तक उसको नाकाम करके छोड़ देती है। तो ठीक उसी प्रकार से इनका एजेंडा है मोदी जी का और भाजपाई जितने भी लोग हैं उनका यही, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं संविधान को एक तरह से बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग एक सोशल मीडिया पर देखे भी थे कि उनका एक मंत्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्री जो थे रविशंकर प्रसाद जी, वो एक अलग ही संविधान लेकर बैठे हुए थे कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। और वो संविधान था मनुवादियों का संविधान, मनुस्मृति का संविधान, जिसमें कि आप लोग जान लीजिए कि मनुस्मृति में क्या क्या हो जाता था। वर्ण व्यवस्था जैसे कि अभी सलमान भाई ने बताए थे कि उसमें सवर्णों के द्वारा किस तरह से दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता था, और इतना अत्याचार होता था कि हम लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दलितों के बहु बेटियों को मतलब इस तरह से उनको पहचान के तौर पर या फिर उस पर शोषण के उद्देश्य से उनके कहर में झाड़ू और गले में जो बर्तन होता है उस डाल दिया जाता था ताकि वो कभी उसमें थूक ना सके और उसका थूक कहीं पे इधर रास्ते में ना पड़ सके। पानी भी पिलाया जाता था तो अलग से ही, या फिर तो उसमें कुत्ता का अधिकार था कि तालाब में जाकर पानी पी सकता था, लेकिन दलितों और अल्पसंख्यकों को इस तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था। अभी देखिए खास करके आप लोग यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं अल्पसंख्यक क्रांतिकारी साथी ज़्यादा है, और बेगूसराय में लोग कहते हैं कि त्रिकोणीय स्थिति आ रही है, एक तरफ तनवीर साहब हैं और एक तरफ गिरिराज सिंह है, जो जैसा कि कहा जा रहा है। तो हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कन्हैया भैया ने नजीब के प्रश्न पर सरकार से सवाल करना शुरू किया था उस समय तनवीर साहब नहीं थे, वो उस समय बिल्कुल गौण थे। आप लोग एक भी उनका प्रश्न नहीं देखे होंगे या फिर स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे कि नजीब कहाँ है या सरकार से सवाल कर रहा हूँ, तो क्यों दें हम उनको वोट जिनका आवाज़ गांव घर तक ही सीमित रह सके। गांव में भी आवाज कहाँ है, गांव में भी आवाज नहीं है, यहाँ बेगूसराय आवाज़ें नहीं है, वहाँ की बात कर रहे हैं। और कन्हैया भैया को देख लीजिए अभी कुछ नहीं है, साधारण एक स्टूडेंट, फिर भी इनको पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जान रहा है। क्यों जान रहा है? क्योंकि ये रियलिटी का मुद्दा उठाते हैं, लड़ते हैं सवाल खड़ा करते हैं, और सवाल खड़ा करना आप इतना साहसिक काम है कि आपको अंदाज़ा इस बात से लग जाएगा कि अगर आप एक थाना में जाकर अगर सवाल करते हैं तो आपको किस तरह से टॉर्चर किया जाएगा और आपको केस करके उसके बाद घर में बैठा दिया जाएगा, आप तुरंत वहाँ बैकफुट पर आकर खड़ा हो जाएंगे, कितना कठिन काम है। लेकिन हमारे कन्हैया भैया को देखिए डायरेक्ट मोदी से सवाल करते हैं और डायरेक्ट बिना अपना जान मोदी जी से सवाल करते हैं और फिर भी आजाद घूम रहे हैं। वो भी इसलिए कि हम लोग साथ आए उन्हें मारने की कोशिश तो हुई थी के साथ खड़ा है, कन्हैया को मारने की कोशिश तो की इन लोगों ने, और बात में क्या होता है मतलब रियलिटी से तो समझा नहीं पाते हैं, अफवाह फैला देते हैं देशद्रोही है ये है वो है। भाई देशद्रोही है तो इस तरह से जो आज़ाद घूम रहा है, अब तो आपके
विरुद्ध इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार है। अब बताइए, संविधान में ऐसा नियम है कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कैसे भैया खड़ा हो गए हैं उनके सामने। तो कुल मिलाकर हमारा मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग कन्हैया भैया को जिताने का काम करें। आपका एक एक वोट इस देश को बचाने का कार्य करेगा, इस संविधान को बचाने का। हमें कुछ गाना गाना चाहते हैं आप लोग, जल्दी कीजिए, आगे जाना है, जमात का टाइम बजेगा वहाँ पर। नहीं, हम गाना सुनते जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पर जमात का टाइम आप लोग थोड़ा पीछे से, हम लोग क्योंकि कैंपेन करते रहते हैं अपना गांव में, इधर उधर थोड़ा जागरूकता लाने के लिए। आपका बहुमूल्य योगदान आप ही का है। मैं अभी भी उनसे मिल के आए हैं, वहाँ पे मिले थे चंद्रशेखर सर जी, कमले महतो जी साथ थे, इसलिए लाइट खत्म ना हो जाए, इसलिए कन्हैया कुमार जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूँ। जब तक मैं ना खा लेता था, माँ तू भी ना खाती थी चोट।